हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदर स्पेशल बादाम मिल्क। इसको ना बहुत ही आसान तरीके से और जो है बहुत ही मज़ेदार और जो है बहुत ही कम खर्च में बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ना एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर जो है 1 लीटर फुल फैट मिल्क को ऐड कर लेंगे। दूध को जो है मीडियम फ्लेम में बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध के अंदर बॉईल आना शुरू होता है, हमें स्पैचुला से बॉईल को हटा देना है, यानी कि उसके ऊपर की मलाई को हटा देना है और उसी के अंदर मिक्स करते हुए जाना है। इस तरीके से मिक्स कर लेते हुए पकाना है इसको मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना नीचे का हिस्सा जो है दाग लग जाएगा। जैसे जैसे दूध पे मलाई जमती जाएगी, हमें मिक्स करते जाना है इसी के अंदर वापस। अच्छे से पका लेना है इसको मीडियम फ्लेम में। जब तक कि हमारा दूध आधा नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। एक बात का खास ख्याल रखना है कि चम्मच को जो है मिक्स करते ही रहना है, दूध पे मलाई बिल्कुल जमने नहीं देना है, इसी के अंदर मिक्स कर देना है। अब हम इसके अंदर केसर को डाल देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, इसके बिना फ्लेवर अधूरा हो जाएगा बादाम मिल्क का। इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस चम्मच चलाते हुए जाएंगे। अब हम इसके अंदर चीनी को ऐड कर लेंगे। वापस इसे मिक्स करते हुए जाएंगे और एक 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हमें चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे साइड में रख देंगे हम। मैंने चूल्हे पे थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसके अंदर बादाम को ऐड कर लेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 70 ग्राम बादाम तक यूज किया है। इस बादाम को ना हमें 8 से 10 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम में। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस बादाम को ठंडा होने के लिए रख देंगे। बादाम जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको छील देंगे, यानी कि इसके पील निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा इसका छिलका। सारे बादाम को ना हम साफ कर लेंगे इसी तरीके से। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसके अंदर सारे बादाम को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध डाल के इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे। वापस चूल्हे की फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। अब हम इसके अंदर बादाम के पेस्ट को ऐड कर देंगे। बादाम को ना एकदम स्मूथ पेस्ट करना है, इसके अंदर टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक 5 मिनट तक लगातार ऐसे ही चम्मच को मिक्स करते जाना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे इसके अंदर। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम पे रख के ऐसे ही पकाते हुए जाएंगे और एक 5 मिनट। बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है हमारा बादाम मिल्क और एक 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे हम। बिल्कुल तैयार है बादाम मिल्क हमारा। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर बना हुआ है हमारे बादाम मिल्क का। टेक्सचर ही नहीं, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर इस बादाम मिल्क को चार चांद लगाना चाहे तो इसके अंदर बादाम आइसक्रीम को भी मिक्स कर दीजिए, इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए बादाम के साथ। साथ ही साथ जो है थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे। बिल्कुल तैयार है हमारा बादाम मिल्क। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा।
इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।